हेलो एवरीवन। सो आज से हम एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करें जिसमें हम सीखेंगे डिफरेंट शॉर्टकट्स टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथ्स न्यूमेरिकल्स फॉर जेई एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। क्योंकि हमें पता होता है कि जब भी हम कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत कम होता है और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग सब्जेक्ट कौन सा है हमारा? मैथमेटिक्स। इसलिए मैथमेटिक्स में क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हम शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मैट्राइसेस और मैट्रिक्स, जिसमें हम आपको डिटर्मिनेंट या एंड इनवर्स निकालना सिखाएंगे। क्योंकि हमें पता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जिसके सिलेबस में मैट्राइसेस है उसमें एक इनवर्स का क्वेश्चन तो आता ही है, एक इनवर्स का क्वेश्चन तो आता ही है। तो आपको जो नेचुरल मेथड है या जो बेसिक कंसेप्ट है क्या फाइंड करने का, इनवर्स, वो तो आपको पता ही है। कैसे फाइंड करते हैं हम लोग? सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा वाला, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वो कभी कभी बच्चों को लेंथी प्रोसेस लगता है, कहीं पर भी छोटा सा स्मॉल कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया तो क्या हो सकता है, हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो सकता है। इसलिए हम आज एक शॉर्टकट देखेंगे क्या फाइंड करने के लिए, इनवर्स फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए करना क्या होता है, अगर आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, 3x3 का मैट्रिक्स गिवन है, सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करना सीखेंगे क्योंकि डिटर्मिनेंट हमें पता होना चाहिए। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली सी बात देखो, इसको जैसा दिया है वैसे के वैसे हम इसको एक बार लिखेंगे फिर से। तो ये है 1 2 2, फिर 2 1 2, फिर 2 2 1। जो मैट्रिक्स गिवन था उसके मैंने कोएफिशिएंट या एलिमेंट्स लिख दिए, फिर क्या करना है मुझे, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को इसे रिपीट करना है और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को ऑफिस से रिपीट करना है। जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकेंड कॉलम के एलिमेंट को रिपीट कर दिए, आपको एरोज बनाना, सबसे पहले ऊपर से नीचे एरो आएंगे, ये हो गया ये फर्स्ट एरो, ये सेकेंड एरो और ये थर्ड एरो। अब सिंपली आपको करना है इन तीनों को मल्टीप्लाई, तो 1 × 1 × 1 क्या हो जाएगा 1, 2 × 2 × 2 क्या बन जाएगा 8, वापस से 2 × 2 × 2 क्या बन जाएगा 8। सेकेंड ब्रैकेट के लिए आपको अभी नीचे से एरो बनाने हैं, तो नीचे से एरो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 2 × नीचे से एरो बना के रखो पहले, ये यहां से जाएगा, ये 2 इसमें से पास होकर जाएगा बराबर, तो क्या बन जाएगा ये 2 × 1 × 2 = 4, 2 × 2 × 1 = 4, 2 × 2 × 2 = थर्ड एरो जो है जो है वो ऐसे जाएगा बराबर, तो क्या हो जाएगा ये 1 × 2 × 2 = 4, बीच में वापस प्लस साइन बराबर, किया क्या मैंने वापस से देखो एक बार 1 2 2, जैसे एलिमेंट थे वैसे लिख दिया 2 1 2, उसके बाद 2 2 1, और इसके बाद वापस फर्स्ट रो को वापस से रिप्लेस किया, रिपीट किया 1 2 2, सेकेंड रो को भी रिपीट किया 2 1 2, फिर क्या क्या मैंने ऐसे एक एरो बनाया, ऐसे एक एरो बनाया और ऐसे एक एरो बनाया, उसके बाद तो इसको क्या किया मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया 1 × 1 × 1 = 1, 2 × 2 × 2 = 8, 2 × 2 × 2 = 8, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड के लिए क्या करना है हमें, ऐसे एरो बनाने, इसमें ये कौन कट, कट कौन कट हो रहा है 2 × 1 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, 4 × 1 = 4, 1 × 2 = 2, 2 × 2 = 4, बीच में आएगा माइनस साइन, ठीक है। अब इसको प्लस कर दो सिंपली, ये बन जाएगा 17, ये बन जाएगा 12, आपका आंसर आ गया। तो ये आपका डिटरमिनेंट फाइंड करने का शॉर्टकट हो गया, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट, क्या फाइंड करेंगे, एडजॉइंट फाइंड करने का शॉर्टकट। एडजॉइंट फाइंड करने से के लिए हमें इसको वापस से क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है, क्या करना है हमें कॉपी पेस्ट, तो ये क्या बन जाएगा 1 2 2 1 2, उसके बाद 2 1 2 2 1, उसके बाद 2 2 1 2 2, जैसे ही मैंने इसको डिटरमिनेंट वाले को कॉपी पेस्ट किया, अब फर्स्ट रो को इधर एक बार रिपीट करना है और सेकंड रो को उसके नीचे रिपीट करना है, तो क्या हो जाएगा ये 1 2 2 1 2 2 1 2 2 1, ठीक है। ये प्रोसेस होने के बाद आप सिंपली एडजॉइंट फाइंड कर सकते हैं, कैसे बताता हूं, सबसे पहले आपको इनको एक्सक्लूड करना है, इन नंबर्स को ब्रैकेट में नहीं लेना है, इन नंबर्स को ब्रैकेट में नहीं लेना,
अब इसका आप एडजॉइंट फाइंड करो इजीली, तो आपको एडजॉइंट मिल जाएगा। कैसे मिलेगा देखो, सबसे पहले इन दोनों को लो, 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 − 4 क्या बन गया −3। फिर इन दोनों को लो, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 4 − 1 तो 4 − 2 2। जो हम रो के लिए सॉल्व कर रहे हैं उनके जो एलिमेंट थे वो कैसे लिखेंगे हम लोग, कॉलम में, ठीक है। फिर वापिस से दो दो का पेयर बनाओ, 2 × 2 4, 2 × 1 2, 4 − 2 वापिस से 2, तो मुझे फर्स्ट कॉलम मिल गए एडजॉइंट के। अब सेकंड फाइंड करना है, सिमिलरली इन दोनों को लेना है पहले, 2 × 2 4, 4 − 2 2, फिर यहां पर 1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 − 4 − 3, फिर यहां पर 2 × 2 4 और 1 − 2, सॉरी 2 × 2 4, 1 × 2 2, 4 − 2 2, फिर इन दोनों को लेना है 2 × 2 4, उसके बाद 1 × 2 2, 2 − 2 सॉरी 4 − 2 2, फिर यहां पर 2 × 2 4, 4 − 2 2, यहां पर 1 × 1 1, 1 − 4 − 3, तो ये बन गया आपका एडजॉइंट। तो इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज नथिंग बट 1/ डिटरमिनेंट ऑफ ए, कितना मिला 5, तो ये हो गया आपका डायरेक्ट आंसर। ये एक्सप्लेन करने टाइम इतना लेंदी लगता है, पर अगर हम ये ट्रिक की अच्छे से प्रैक्टिस करें तो देखो आप कितने फास्टली एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स लेता हूँ, अगर आप प्रैक्टिस करें वो मेथड, तो हम देखते हैं कि ये जो मेथड जो मैंने आपको बताया टू फाइंड द ए इनवर्स, वो कितने जल्दी सॉल्व हो सकता है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है हमें, डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए क्या होता है, 1 0 1 3 1 2 1 2 3 1, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो को रिपीट, फर्स्ट कॉलम को रिपीट करो, 0 1 3 और फिर 1 2 1, फिर क्या करना है, लाइन खींचना है। ये पहली लाइन होगी, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, 0 × 2 × 1 0, 1 × 3 3 × 3 9, प्लस 2 × 1 2, 2 × 1 2, तो ये हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट के लिए क्या करना है हमें, ऐसी लाइन खींचनी है। तो देखो 3 × 2 6, 6 + 2, 6 × 2 12, 3 × 1 3, 3 × 0 0, 1 × 1 1, 1 × 1 1, तो ये हो जाएगा 1, ये कितना हो गया 11, ये कितना हो गया 12 + 1 13, बीच में कौन सा साइन आता है माइनस, ये हो गया आपका डिटरमिनेंट −2। तो डिटरमिनेंट फाइंड हो गया, अब क्या करना है मुझे, एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट के लिए क्या बताया था मैंने, इसको रिपीट करो, तो ये क्या है मेरा 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2 3 1 1 3 1, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट रो को रिपीट करना है, तो 0 1 2 0 1 1 2 3 1 2, इसको और इसको एक्सक्लूड कर दो। आप डायरेक्टली आप क्या फाइंड कर सकते हो, मैट्राइसेस फाइंड कर सकते हो, क्या फाइंड कर सकते हो, मैट्राइसेस फाइंड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो एडजॉइंट, एडजॉइंट मैट्राइस, एडजॉइंट ऑफ ए कैसे फाइंड करोगे, 2 × 1 2 और यहां पर 3, तो 2 − 3 − 1, 3 × 3 9 9 − 1 − 8 sorry 9 − 1 8, उसके बाद 1 × 1 1, 3 × 2 6, 1 − 6, 1 − 6 −5, फिर यहां पर 2 × 1 2, 1 × 1 1, 2 − 1 1, 1 × 0 0, 0 − 6 − 6, 3 × 1 3, 3 − 0 3, 1 × 3 3, 3 − 4 − 1, 2 × 1 1, 3 × 0 0, 2 − 0 2, 0 × 2 0, 1 × 1 1, तो 0 − 1 − 1, ये आपका एडजॉइंट हो गया। और उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ता है मैट्राइसेस, तो ये हो गया आपका ए इनवर्स, क्लियर है। तो अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है और आपकी स्पीड फास्ट है, तो आप विद इन 2 मिनट्स इसका फॉर्मूला या वैल्यूज निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आपको मैं एक होमवर्क देता हूँ, वो होमवर्क में आपको सॉल्व करना है क्या,
डिटर्मिनेंट या एडजॉइंट। थ्री बाय थ्री का मैट्रिक्स एक होमवर्क देता हूं, आप खुद से ट्राई कर लीजिए। 1 0 2 3 1 1 0 5 1 तो ये आपके लिए होमवर्क है, ट्राई कीजिए होमवर्क के लिए और मुझे बताइए कि ये मेथड आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। प्रैक्टिस कीजिए 4-5 सम्स अपने हिसाब से मैट्रिक्स लेके, या आपके टेक्स्ट बुक में भी क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें आपको ए इनवर्स फाइंड करने होते हैं, राइट। तो एक आप क्या कीजिए, एक जनरल मेथड से ए इनवर्स फाइंड करके देखिए, फिर इस शॉर्टकट से देखिए और टाइम कंपैरिजन कीजिए कि आपके लिए कौन सा मेथड बेनिफिशियल है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे दूसरे शॉर्टकट के साथ।